एक वृक्ष पर कई पशु पक्षी प्रहार करते हैं। कटफोड़वा अपनी चोंच से डाली पर निरंतर प्रहार करता है। हाथी अपनी पूरी शक्ति से अपने शरीर को वृक्ष पर रगड़ता है और भालू शहद पाने के लिए उस पर पंजे मारता है, परंतु इनमें से किसी का भी प्रहार वृक्ष को गिरा नहीं पाता, जबकि एक छोटी सी दीमक एक वृक्ष का अस्तित्व जड़ से मिटा देती है। क्या कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी दीमक एक विशाल वृक्ष का अस्तित्व समाप्त करने में सफल हो जाती है? क्योंकि दीमक वृक्ष पर बाहर से नहीं भीतर से प्रहार करती है, इसलिए भीतर से किए जाने वाले घात से सदा बचे। कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, अपनी दुर्बलता कभी भी अपने शत्रु के समक्ष उजागर ना करें और अपने सुरक्षा तंत्र पर सदा दृष्टि बनाए रखें। कहीं कोई उसे वस्त्र करने का प्रयास तो नहीं कर रहा? नीतियां मेरी, नियति आपकी।